हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है तरुणा विद पमी। मैं तरुणा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों से निशा दी के लिए हेल्प मांगने आई हूं। जैसे आपने जब हमने घमू के लिए आवाज़ उठाई थी तो आप सब मेरे साथ थे, आज आप सबके साथ की ज़रूरत है मुझे। मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ आप भी आवाज़ उठाइए, बिना किसी स्वार्थ के। आप एक औरत हैं और एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझेगी, इस आशा से मैं आप लोगों से बात कह रही हूं। शायद कि आप मेरी बात समझ पाए, शायद कि मैं आपको समझा पाऊं जो मैं कहना चाहती हूं। आपके घर में भी बेटी होगी, आप भी माँ हैं। क्या आप गुस्से में अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठा देती हैं या अपने बच्चे को कुछ कह देती हैं? तो क्या आपका हक नहीं है? है ना आपका। आप चाहे तो उसे कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि आपने उसे 9 महीने पेट में रखा है, वो दर्द आपने सहा है, कोई और उस दर्द में भागीदार नहीं बना था। 9 महीने तक पेट में आपने उसको रखा, उस दर्द में कोई भागीदार नहीं बना था। दोबारा रिपीट कर रही हूं इस बात को, समझिएगा कि क्यों कर रही हूं। जब बच्चा कुछ कह देता है माँ को तो ठीक है, वो माँ है, वो समझेगी, पर वो बच्चा क्यों नहीं समझता कि अगर माँ समझ सकती है तो क्या बच्चे की फीलिंग्स नहीं है कि वो भी अपनी माँ को समझे? टाइम आता है सब चीजें पता चलती हैं। एक छोटी सी गलती, पता था दी को कि सब चीजें इधर की उधर, उधर की इधर हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर फिर भी जैसे कि दी ने बताया कि वो 10th क्लास में थे, उसके बाद उन्हें एक लड़के से मिलना होता है। वो लड़का इतना उसके ऊपर हावी हो जाता है दी के ऊपर कि उनको उस लड़के के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक शादी नहीं हुई थी, तब तक भी, उसने हाथ उठाया था। शायद होता है ना, केयर करता होगा, जेलसी फील करता होगा कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ या फिर कोई अगर मुझे देख रहा है तो जेलसी फील हो रही है, शायद इस वजह से, है ना, और लगता है कि मुझे बहुत प्यार कर। पर ऐसा नहीं होता और ना हुआ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर उस वीडियो को सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे दी ने अपनी सारी बातें एक्सप्लेन की उस वीडियो में। कोर्ट में डिवोर्स केस चल रहा है, फिर भी घर में आता है, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि बच्चों से मिलने के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाप को बच्चों से मिलने के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये प्लस पॉइंट होता है उनके पास कि वो आपके घर आ सकते हैं। ये प्लस पॉइंट होता है। इसी प्लस पॉइंट का अगर कोई फायदा उठाए, नशा करके आपके घर में घुसे, आपको धमकी दे, मारे, पीटे और फिर बोले कि तेरे फेस पे मैं तेजाब डाल दूंगा, बताइएगा मुझे कहां तक सही है। बोले कि तुझे मैं गोली से मरवा दूंगा, क्या ये सही? एक गलती और जिंदगी भर की सजा। शायद के उस दिन जो दी ने बोला कि मैं अगर 11वें दिन जब पिट चुकी थी तो उस 11वें दिन मुझे अपने पापा के पास लौट जाना चाहिए था। जब उन्होंने आज एक्सेप्ट कर लिया तो क्या वो तब नहीं करते? क्या होता अगर वो आपको कुछ उल्टा सीधा सुना देते, गुस्सा करते? हक था उनका, वही हक जो आप अपनी बेटी के ऊपर रखते रखते हैं ना भाई। और आपकी बेटी आपकी और दूसरे की बेटी की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक इंसान देता है तब तक लेने वाला बहुत अच्छा लगता है, जब देने वाला बंद कर देता है और उसके अंदर पागलपन इस हद तक होता है जो अपनी बीवी में से घिन आने लगे उसे और दूसरे की बहन बेटी अपनी सी लगने लगे उसे, तो यहां पर मैं ये बात कहूंगी कि उसे छोड़ देना चाहिए। पहले एकदम से छोड़ना आसान नहीं होता। पहली बार जब किसी के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है ना तो आप संभाल नहीं पाते, मुझे पता है। जब आपको कुछ ऐसा पता चलता है कि आपके अलावा कहीं और बात चल रही है,
और वो बात इतनी डीपली है। वो तो फिर भी हंस के सब कुछ भुलाने की कोशिश करती है, कहाँ भुला पाती है। दिन भर के काम में वो अपने आप को बिजी इसलिए रखती है कि उससे दो फायदे होते हैं। पहला, उसकी बेटी की परवरिश होती है। दूसरा, कि शायद कहीं ना कहीं वहां से वो अपना ध्यान हटाने की कोशिश करती है, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो ना, उसे आप कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। नफरत कर लोगे, पर वो चीजें आपको नोचती हैं, वो चीजें आपको एहसास दिलाती हैं कि क्यों क्यों इतने अंधे हुए थे, क्यों अपने आप को कोसते हैं, क्यों ऐसा हुआ था और क्यों ऐसा हुआ था। पर इस क्यों के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीजें हो जाती हैं वो इस क्यों पर आकर अटक जाती हैं। पर जिंदगी है ये, इस जिंदगी में गलतियां होती हैं, और उस गलतियों को सुधारना ही हमारा, हम कोशिश कर सकते हैं उस गलतियों को सुधारने की। जैसे एक नोटबुक के ऊपर आपने कुछ लिखा, उसको मिटाने के लिए रबड़ की जरूरत होती है, रेजर जिसको आप बोलते हो, इरेजर की जरूरत होती है। पर उस इरेजर को उठाने में भी टाइम लगता है, उसको मिटाने में भी टाइम लगता है। आसान कुछ नहीं होता, आसान तो ये जिंदगी भी नहीं है। तो प्लीज, इससे ज्यादा शायद मैं ना बोल पाऊं, आप हेल्प कीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है निशा दी को। आप ये दिखाइए कि वो अकेली नहीं है, उनके दुख में दुखी होने वाली बहनें भी हैं, उनकी खुशी में खुश होने वाली बहनें भी। आसान नहीं होता कुछ भी, क्योंकि ये जिंदगी बहुत बहुत मुश्किल भरी होती है। जो चोट उन्हें लगी है शरीर पर, चलो वो तो जैसे तैसे हट जाएगी, पर जो इतने टाइम के जख्म थे, आज तक उन्होंने कभी अपने हस्बैंड का नाम तक नहीं लिया, आज तक कभी उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में जिक्र तक नहीं छेड़ा, पर आज वो इस कदर टूटी हैं। स्ट्रांग तो वो है, अगर स्ट्रांग नहीं होती तो फिर से अपने काम पर नहीं लौटती। स्ट्रांग के साथ साथ वो एक माँ भी है, क्योंकि काम करेंगी तभी अपनी बच्चियों की परवरिश कर पाएंगी, जिन्होंने अब तक अकेले पाला, क्या वो आगे नहीं करेगी।